उसको पहले आप यहाँ स्थापित करिए, उसको पहले कानून मान्यता दीजिए। हम फ्रेंच पढ़ने जाते हैं कहीं और, सबसे पहले है झारखंड के जो कुरुक भाषा हुआ, संथाली हुआ, पचपरगनिया हुआ और नागपुरी हुआ, इस खोरठा हुआ, सभी भाषाओं को पहले यह स्थापित करिए, उसके बाद फ्रेंच पढ़ाइए, भोजपुरी पढ़ाइए। लेकिन आप सबसे पहले आप बाहरी भाषा को ही यहाँ पर आप लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए झारखंड में जो उबाल जो है स्वाभाविक है। आप पलामू क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ भोजपुरी, देखिए भोजपुरी बोली नहीं जाती है, भोजपुरी का सम्राट भाषा है, वो दोगला भाषा है। रांची में भी आप देखें हिंदपीढ़ी में जाएंगे, कहाँ जातीस खातीस कहाँ गए पहले, अब उसको कानूनन मान्यता दीजिएगा, ये न्याय उचित नहीं है। अब बिहार में क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, लेकिन झारखंड में आए हैं, झारखंड में भाषा को मान्यता दे रहे हैं, ये न्याय उचित नहीं है। देखिए झारखंड का आक्रोश स्वाभाविक इसलिए है कि देखिए वर्षों से, 100 वर्षों से झारखंड की अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, जमीन को मुद्दे को लेकर के, स्थानीय स्वाभिमान के लिए, अपनी पहचान के लिए। लेकिन ये भाषा की लड़ाई पर सबसे बड़ा लड़ाई की जा रही है, अब सरकार दोष है, कभी चिंतन नहीं करती इस पर। तो इसलिए हम मांग करना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से, अभी भी कोई बातें हैं तो इस पर जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, विधानसभा के लिए विशेष सत्र बुलाई जाए। देखिए भाषा पर टकराव हम लोग का नहीं है, हम लोग भी भोजपुरी पर नाचते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं पंजाब के भाषा पर नाचते हैं, हर भाषा को आदर करते हैं। लेकिन आप कानूनन मान्यता देने का प्रयास करिएगा तो ये आदिवासी मूलवासी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कई दिनों से सभी संगठनों को, आदिवासी मूलवासी संगठनों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा किसी भी कार्यक्रम में या आप लोग के आंदोलन में, ये नहीं दिखता है। कोई लोग एब्सेंट होता है, कोई आता है, कोई नहीं आता है। यहाँ तक कि मानव श्रृंखला में भी जिन लोगों का आप नाम आप लोगों ने दिया था वो तो अनुपस्थित रहे हो। देखिए ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना योजना रहता है, विभिन्न संगठनों का चलाना आसान नहीं है। जैसे सूर्य सिंह बेसरा, वो टाटा पे काम कर रहे थे, और शैलेंद्र महतो जी जो पूर्व सांसद हैं वो टाटा में मानव श्रृंखला कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। समय आते आते सब हम लोग एक हो जाएंगे, और यदि एक दो आदमी नहीं आते हैं तो ये ना समझे कि वो हमारे समर्थक नहीं हैं। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि सभी संगठन को एक मंच पे लाने का, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, ये राजनीतिक बात में होगी। पहले हम लोग एक मंच पर आकर के अपने अधिकार को लड़ने का काम करेंगे, और नहीं आता है तो कट जाएंगे, ये जनता की आवाज़ है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, हमारा प्रयास ही रहा एकताबद्ध करने के लिए। जब हमारा संगठन एकताबद्ध करेगा तो फिर हम गवर्नमेंट से बात करके फिर हम लोग का जो लड़ाई है उसको जो है हम लोग आगे बढ़ाने काम करेंगे। आप लोग लिख रहे हैं कि बांग्ला उड़िया भी नहीं चलेगा, तो क्या आप लोग कार्यक्रम में तो शैलेंद्र महतो कह रहे थे कि नहीं बांग्ला उड़िया तो ज़रूरी है, तो रहना चाहिए। देखिए भाषा की ये बात है कि आप अब जैसे बहुत सारे सवाल आपके नब्ज में भी रहता होगा कि आप उर्दू को क्यों लागू किए, बांग्ला को क्यों लागू किए, उड़िया को क्यों लागू किए। देखिए उर्दू एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी भी राष्ट्रीय भाषा है, उसको लागू करने की आवश्यकता है नहीं है। लेकिन बंगाल और उड़िया वाली बात है, जब बॉर्डर में जो रहते हैं हमारे यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी, वो ज़्यादातर बंगाली बोलते हैं या उड़िया बोलते हैं, और ये समझिए कि ये खरसवां के क्षेत्र में ज़्यादातर आदिवासी लोग उड़िया बोलते हैं, तो उसकी ज़्यादा विरोध नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा भाषा को लेकर के हम यही कहना चाहते हैं, सभी भाषाओं को लेकर के चिंतन होनी चाहिए, उड़िया हो, बांग्ला हो, भोजपुरी हो, कहाँ कहाँ पर लागू करें, कहाँ कहाँ पर नहीं करें। और जब तक बिना चिंतन किए थोप रहे हैं तो ये लड़ाई स्वाभाविक है, और ये समझिए कि एक टकराव की स्थिति में सरकार दोषी। अभी जो विरोध होगा ये कैसा विरोध होगा, क्या कुछ करेंगे? अब बंदी करने का देखिए डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन आप झारखंड के आदिवासी मूलवासी की बुनियाद पर यदि आप बंदी का प्लानिंग करते हैं, देख लेंगे कहेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी अपील करना चाहते हैं यहाँ के जो बाहर से बसे लोगों को कि आप चिंतन करें, क्योंकि आदिवासियों को पहले बढ़ने दें, मूलवासियों को बढ़ने दें, बाकी बात आपका अधिकार है। क्योंकि आदिवासियों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे विद्वान, बीडी शर्मा जैसे लोग जो बाहर के लोग थे, आप केबी सक्सेना जैसे आईएएस लोग जो आदिवासियों को बढ़ाने का काम किया था, पहले इसकी अधिकार मिलनी चाहिए, बाद में लेने का काम करें। तो ऐसी बात नहीं है, टकराव होगा देखा जाएगा, लेकिन दोनों पक्ष में ये नहीं होना चाहिए कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको पीट देंगे। देखिए डेमोक्रेटिक देश है, हम लोग संवैधानिक तौर पर बात को रखने का सबको अधिकार है। चेतावनी टकराव को आप स्वीकार कर रहे हैं? बिल्कुल, चेतावनी देता है तो चेतावनी अब झेलेंगे हम लोग। आज की बैठक के दौरान क्या कुछ रणनीति आगे के लिए तय की गई है? आगे की रणनीति मैडम हम लोग ये किए हैं कि हम लोग का विधानसभा जो घेराव है 14 मार्च को, वो ऐतिहासिक होगी। और हम समझते हैं, हम अपील भी किए हैं आपके मंच के माध्यम से कि जो झारखंड में जो भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है,
मानकी मुंडा संघ हुआ, बप्पू ठाकुर जी, डोकलो सोहर, पहला समिति, तो उन्होंने जो है 200 वर्षों से लड़ा अपने देश के हित के लिए, जोधपुर के जमीन बनाया, खतियान बनाया, तो उसके अधिकार के लिए अपील करना चाहेंगे कि आप रांची कूच करें और ये जो हमारी बंदी है, हमारी जो विधानसभा घेराव है उसको ऐतिहासिक बनाने का काम।